हेलो एंड वेलकम बैक टू SSB क्रैक एग्जाम्स मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी हाउ लाइक अ प्रो यू कैन पार्टिसिपेट इन SSB ग्रुप डिस्कशन आपको पता है कि SSB इंटरव्यू में बेसिकली तीन बार जीडीज़ होते हैं फर्स्ट टाइम यू नीड टू पार्टिसिपेट इन पीपीडीटी जीडी सेकेंड टाइम इन द करेंट अफेयर जी डी जो कि ग्रुप टास्क का फर्स्ट टास्क होता है एंड थर्ड टाइम इन जीपीई जी डी बहुत बच्चों को इस मन में यह सवाल रहता है कि इन जी डीज में हमें पार्टिसिपेट कैसे करना है क्या करना है हमें इन जी डी में और क्या नहीं करना है तो आज के सेशन में हम उन्हीं पर फोकस करेंगे एंड आई विल गिव यू समिप्स इन विच यू कैन पार्टिसिपेट लाइक अ प्रो एंड यू कैन यू नो गिव अरी पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ टू दी अरेसर्स इन जी डी इट से

वाइल पार्टिसिपेटिंग इन दी जी डी द नेक्स्ट थिंग इज टू स्टे इनफॉर्म्ड। ऑब्वियसली आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है अगर आप कोई भी जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो नॉलेज इज द पावर इन जी डी एक वेल इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट जो है एक ग्रुप डिस्कशन में एक एसेट होता है सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड आल्सो रेलेवेंट टॉपिक्स इसके लिए आप हर रोज अच्छे न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स या ऑनलाइन न्यूज रिसोर्सेज को भी रेफर कर सकते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी टॉपिक में डाइवर्स परस्पेक्टिव को एनहांस कर सकते हैं अपने

आप बाकी का पॉइंट रिस्पेक्ट कर रहे हो बट इट विल ऑल्सो अलाउ यू टू बिल्ड अप ऑन देअर आइडियाज एंड प्रेजेंट योर ओन काउंटर आर्गूमेंट्स इफ नेसेसरी सो यू हैव टू पे अटेंशन टू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज विच योर अदर ग्रुप मेंबर्स आर गोइंग टू शो वाइल दे आर पार्टिसिपेटिंग इन जी डी नेक्स्ट थिंग इज टू इनिशिएट द डिस्कशन जो भी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली उनका एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव इम्प्रेशन बन जाती है सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेड इफ यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन बिगिन विद्रीफ इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन द क्यू पॉइंट जिसके बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हो दिस विल सेट अ वेरी कॉन्फिडेंट टोन फॉर द ग्रुप इट से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज ऑर्गेनाइज योर थॉट्स क्योंकि जी डी में आपको पेन या पेपर कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपको अपने माइंड में ही थॉट यानी पॉइंट्स को ऑर्गनाइज करना है सो बिफोर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज यू ऑर्गनाइज योर थॉट वेरी थारली सो आपको क्या करना है अपने पॉइंट्स को अपने दिमाग में सजा लेना है इश्योरिंग अस्ट्रक्चर एंड अजिकल फ्लो इन योर कॉन्ट्रीब्यूशन दिस अप्रोच विल ऑब्वियसली शो टू दी असल क्लैरिटी ऑफ थॉट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब आप आई कॉन्टैक्ट हर एक ग्रुप मेंबर्स के साथ यू नो मेंटेन करते हो एंड इट विल शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर सिंसियर नॉट ओनली दैट आपका बॉडी लैंग्वेज भी ओपन होना चाहिए एक्सप्रेसिव होना चाहिए और असर्टिव होना चाहिए प्लीज डू नॉट शो एनी अग्रेसिवनेस और नर्वसनेस इन योर बॉडी लैंग्वेज The next important thing to to remember is to encourage participation in GD. की जरूरत होती है So जो में बात करना चाह रहे या पॉइंट देना चाह रहे हैं लेकिन बाकी लोग उनको मौका नहीं दे रहे हैं उनके लिए आप एक मसिया बन सकते हो by giving them the chance to speak and others to listen to them carefully. इससे क्या होगा Uh, the assessors will know that you want to know about the opinion of others and you respect their opinion. This will demonstrate your ability to foster teamwork.

द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको टाइम मिला है तो आप पूरा लेक्चर देने बैठ गए सो so आपको एक टाइम टाइमेंट की याद रखनी है दैट विद इन अ फिक्स टाइम यू हैव टू स्पीक ताकि बाकी लोग बोर ना हो जाए या फिर बाकी लोगों का आपको बोलने का मौका दो फॉर दैट यू हैव टू अवॉइड मोनोपोलाइजिंग द डिस्कशन एंड एनश्योर दैट एवरी वन गेट्स अ चांस टू स्पीक इफ नेसेसरी यू कैन गाइड देम इन द ग्रुप टू स्टे ऑन ट्रैक एंड कवर एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक प्रोबेबली विद इन वन मिनट ओनली The next important thing is to handle conflicts diplomatically. So if you have the power to maintain the con, to, you know, maintain decency in the group and to avoid any conflicting arguments, then please do that. Address the group diplomatically or the people who are fighting diplomatically.

गाइडेंस की जरूरत है इंटरव्यू प्लीज डोंट हेजिटेट टू आरएसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स जिसके थ्रू आपको एसएसबी प्रोसेस के बारे में फुल नॉलेज मिलेगा और हर दिन आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ भी पाओगे

एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं